साथियों, भारतीय कांग्रेस की स्थापना दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज रोजगार दो अभियान की शुरुआत भारतीय कांग्रेस ने पूरे देश में की। सरकार जो बेरोजगारी बढ़ी है उसका पूरा ठीकरा कोरोना पे फोड़ना चाहती है, लेकिन सच्चाई है कि कोरोना के पहले भी देश में बहुत ज्यादा गंभीर हालत बने हुए थे। देश में 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर थी। देश में 3.2 GDP रेट था। यही नहीं, सरकार ने खुद बेरोजगारी के आंकड़े सार्वजनिक करने पे पाबंदी लगा के रखी। आप सोच सकते हैं किस तरीके से सरकार बेरोजगारी के आंकड़े दबाने के लिए काम कर रही है। मोदी जी, आप तो कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं फकीर हूं, मैं झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन वो बेरोजगार युवक, वो स्वाभिमानी युवक अपने परिवार को मजदार में छोड़ के, अपने माता पिता को मजदार में छोड़ के, जिसको अपने बहन की शादी करना है, जिसकी कंधे ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारी है, वो इस तरीके से झोला उठाकर कहीं जा नहीं सकता है। आप उसके मन की बात सुनिए। आपके मन की बात आपने सैकड़ों बार की होंगी, उसकी मन की बात कीजिए और रोजगार का सृजन कीजिए। मोदी जी, आप लगातार ये कहते हैं कि मैं देश में क्रांति लाने के लिए प्रधानमंत्री बना हूं, लेकिन इस तरीके से क्रांति से छोटे मझोले उद्योगपतिदार, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग आपके इस पॉलिसी की वजह से प्रताड़ित है। सारों के जो धंधे है वो पूरी तरीके से चौपट हो चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपके लिए चार पंक्तियाँ। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लूटा, मुझे रहगनों से गिला नहीं, तेरे रह बरी पे सवाल है। अगर आपका 56 इंच का सीना है, अब आप इनको रोजगार नहीं दे सकते तो कम से कम बड़ा दिल करके माफी तो मांगिए कि मैंने आपकी वोट लेकर सत्ता तो बना ली, मेरा सिर्फ सत्ता तंत्र में विश्वास था, मेरा प्रजातंत्र और लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, मेरा झूठ बोलने में विश्वास नहीं है। भाइयों और बहनों, मुझे माफ कर दो, मैं आपको रोजगार देने का वादा किया था 2 करोड़ एक साल में, 12 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, मैं नहीं दे सका हूँ, मुझे माफ कर दो। और ये सिर्फ युवा कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये हरेक उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसका रोजगार गया है, हरेक उस व्यक्ति की लड़ाई है जिसका धंधा बंद हो चुका है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अपने आवाज उठाइए, इस मुहिम से जुड़िए। जय हिंद, जय युवा कांग्रेस।